भागलपुर नौगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात सोनाम मैरिज गार्डन। आप उत्सव मनाए, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है एसी एवं नॉन एसी कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नौगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661904817, 7979489821। नवगछिया राजद ने प्रखंड मुख्यालय परिसर में दिया एक दिवसीय धरना। नवगछिया में राष्ट्रीय जनता दल नवगछिया इकाई द्वारा नवगछिया प्रखंड परिसर में राजद समर्थकों द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष संजय यादव ने किया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महिला महासचिव प्रतिमा सिन्हा व अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष संजय मंडल मौजूद थे। मौके पर जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा ने कहा कि नागरिकता कानून संशोधन को सरकार किसी भी हालत में वापस ले, इस काले कानून को लागू करना देश हित में अन्याय है। वहीं दर्जनों मुद्दों को लेकर केंद्र व राज्य सरकार को राजद नेताओं ने घेर कर जमकर विरोध किया। धरना के बाद विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन बिहार के महामहिम राज्यपाल के नाम से नवगछिया प्रखंड पदाधिकारी प्रशांत कुमार को सौंपा गया। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष संजय यादव, प्रदेश महिला महासचिव प्रतिमा सिन्हा, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष संजय मंडल, जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा, अधिवक्ता हिमांशु यादव, गोसाई गांव पंचायत अध्यक्ष गौरी शंकर यादव, पंचायत उपाध्यक्ष राम नरेश यादव, युवा प्रधान महासचिव तनवीर बाबा, युवा जिला महासचिव अंकित सुबोध यादव, रंगरा प्रखंड अध्यक्ष सिकंदर दास, युवा उपाध्यक्ष हिमांशु शेखर झा सहित कई अन्य उपस्थित थे। अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ के नागरिक और युवाओं को किस दिशा की ओर धकेलना चाहता है, किस दिशा की ओर ले जाना चाहता है, अब हम लोगों को मालूम नहीं। मैं दावे के साथ कहना चाहूँ, नवगछिया थाना चौक पर 45 मिनट तक संपा रहा बंद लगा भीषण जाम। नवगछिया पूर्वी केबिन पर शनिवार की दोपहर 2 बजे लगातार 45 मिनट तक संपार फाटक बंद रहने से भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। संपार के बंद होने से संपार से लेकर मकंदपुर चौक तक वाहनों की लंबी कतार पहुंच गई थी, जबकि नवगछिया अनुमंडल अस्पताल तक वाहनों की लंबी कतार लगी हुई थी। वाहनों की लंबी कतार लग जाने के कारण करीब 3 घंटे तक भीषण जाम की स्थिति बनी रही। जाम में फंसे लोगों ने बताया कि संपार बंद कर 3 ट्रेनों को पास कराने के बाद संपार खोला गया, जिसके कारण जाम की समस्या उत्पन्न हुई। संपार बंद होने के 15 मिनट के बाद नौगछिया से कटरिया की ओर एक्सप्रेस ट्रेन गुजरी। ठीक इसके 10 मिनट बाद कटरिया से नौगछिया स्टेशन के लिए सवारी गाड़ी गुजरी। इसके 20 मिनट बाद नौगछिया से कटिहार की ओर मालगाड़ी को निकाला गया। 2 ट्रेन के गुजरने के बाद लोगों के बीच सामान्य स्थिति बनी हुई थी, लेकिन 3रे ट्रेन के गुजरने की सूचना होने पर इस दौरान संपार कर्मी पर जाम में फंसे लोग आक्रोशित हो गए। लोगों के आक्रोश को देखकर संपार कर्मी कमरे से बाहर नहीं निकल रहे थे और जाम में फंसे लोग उन पर अपना भड़ास निकाल रहे थे, हॉर्न बजाकर शोरगुल कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोग संपार कर्मी से पूछने के लिए गए तो कर्मी ने बताया कि स्टेशन से ही संपार लॉक है, वे कुछ नहीं कर सकते। 3 ट्रेन के गुजरने के बाद संपार खुला, लेकिन वाहनों की लंबी कतार होने के कारण भीषण जाम लग गई। घंटों जाम रहने से नौगछिया बाजार आने जाने वाले यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। नवगछिया स्टेशन परिसर में जरूरतमंदों के बीच वितरित किया गया मुफ्त भोजन। नवगछिया सामाजिक संस्था सेवार्थ ने लगातार 15वें सप्ताह शनिवार को नवगछिया बाजार के व्यवसायी सह समाज से भी प्रवीण भगत के सौजन्य से नवगछिया रेलवे स्टेशन परिसर में भूखे एवं जरूरतमंद लोगों के लिए रोटी बैंक नामक कार्यक्रम के तहत निःशुल्क भोजन का वितरण किया। कार्यक्रम में मिक्स गर्मा गर्म खिचड़ी की व्यवस्था की गई थी।
इस अवसर पर ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों को कंबल भी बांटा गया। आयोजित इस कार्यक्रम में सेवार्थ के संयोजक सह उपाध्यक्ष पंकज कुमार भारती ने कहा कि इस तरह का आयोजन किसी भी सभ्य समाज के लिए एक मिसाल है। मानवता की सेवा ही सच्ची सेवा है। इनमें कोई भी अपने जन्मदिन, शादी, सालगिरह एवं अन्य उपलक्ष्य में सहयोग कर सकते हैं। मौके पर समाज सेवी बच्चा भगत, प्रवीण भगत, नितेश कुमार, दीपक भगत, बाबा गणिनाथ सेवा समिति के संरक्षक चंद्रगुप्त शाह, रंजीत शाह, सेवार्थ के संयोजक सह बाबा गणिनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष पंकज कुमार भारती, पवन कुमार, संयुक्त सचिव पुरुषोत्तम कुमार, धर्मेंद्र कुमार, पिंटू सिंह, ओम प्रकाश सिंह, मनोज केजरीवाल, आमिर शाह, ताइक्वांडो संघ के सचिव घनश्याम प्रसाद समेत अन्य लोग मौजूद थे। ये 15वां सप्ताह है जो कि सेवार्थ की तरफ से गरीब लोगों को जो भोजन खरीद के नहीं कर पाते हैं वैसे लोगों को भोजन करा रही है। हमारी संस्था सेवार्थ का उद्देश्य भी यही है कि हम उन भूखे लोगों को भोजन कराएं, और जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है सेवार्थ की, जो दूसरों को हम सेवा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज के जो आयोजन के जो प्रायोजक हैं नवगछिया के समाज से भी प्रवीण भगत जी हैं, उनके माध्यम से आज करीब 150 लोगों को भोजन कराया गया। इतना ही नहीं, भोजन करने के उपरांत, कराने के उपरांत आज गरीबों को कम्बल भी वितरित किया गया, जो इस ठंड में उनके लिए बहुत बड़ा मैंने सबसे अधिक ज़रूरत की चीज़ें हम कह सकते हैं, हमारा उद्देश्य है। और पंकज जी सेवार्थ के संयोजक हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, और सेवार्थ के तमाम सभी सदस्यों का एक बार मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि वो इसी तरह हर शनिवार को क्या अलग अलग भोजन दिया जाता है। हाँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग एक ही, जैसे आज का तो जो मेनू था वो खिचड़ी था, लेकिन हम लोग पूरी सब्जी बूंदिया भी, जैसे कि अभी चावल दाल सब्जी भी, जैसे कि सोमवार में हमारे सेवार्थ के ही सदस्य हैं पिंटू जी की बच्ची की जन्मदिन है, तो उनके तरफ से जो पूरी सब्जी बूंदिया का खिलाया जाएगा गरीबों को। ऐसा नहीं कि हम एक ही तरह के भोजन कराते हैं, बदल बदल करके हम लोग भोजन कराते हैं गरीबों को, और आगे भी ये जारी रहेगा जैसा प्रायोजक का इच्छा है। गोपालपुर प्रखंड में हाल बेहाल है आंगनबाड़ी केंद्रों का, आधे से अधिक है भवनहीन। नौगछिया अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड में अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। प्रखंड के 89 केंद्रों में 60 यानी आधे से अधिक केंद्र भवनहीन है। अधिकांश केंद्र मंदिरों, यात्री शेडों व निजी आवासीय परिसर में चलाए जा रहे हैं। इनमें से मात्र 17 केंद्रों में पेयजल, मात्र 7 केंद्रों में शौचालय है। बिजली तो किसी केंद्र में नहीं है। मिली जानकारी अनुसार मात्र 22 केंद्र को अपना भवन नसीब है। 8 केंद्र विभिन्न स्कूलों में चलाए जा रहे हैं। 6 केंद्र चौपाल में, 1 केंद्र यात्री शेड में, 6 केंद्र सामुदायिक भवन में, 1 केंद्र खुले आसमान में व 1 केंद्र कचहरी भवन में चलाए जा रहे हैं। बताते चलें कि पिछले 4 वर्षों से गोपालपुर प्रखंड में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पद प्रभार में चल रहा है। 3 महिला पर्यवेक्षिका पद सृजित है। वहीं 28 फरवरी 2018 को एक महिला पर्यवेक्षिका के सेवानिवृत्त होने व एक महिला पर्यवेक्षिका के लंबे समय से अवकाश में रहने के कारण एकमात्र महिला पर्यवेक्षिका के सहारे 89 केंद्रों का निरीक्षण का भार है। हर माह एक केंद्र को संचालन के लिए 21,000 रुपए विभिन्न मदों में खर्च के लिए दिए जाते हैं। इसके बावजूद केंद्रों पर सुविधाएं नहीं के बराबर है। ज्यादातर केंद्र समय पर नहीं खुलते हैं। इस कारण ना तो बच्चों का कुपोषण दूर हो पाता है, ना ही उन्हें अच्छी शिक्षा मिल पाती है। प्रखंड के किसी भी केंद्र पर भोजन बनाने की व्यवस्था पूरी नहीं है। केंद्रों पर सेविका के पति या उनके रिश्तेदार का दबदबा चलता है। विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं का कहना है कि इस योजना से बच्चों का तो कुपोषण दूर नहीं हो रहा है, लेकिन अधिकारी व इस योजना से जुड़े लोग मलाई काट रहे हैं। धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति के साथ प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, ऐसा विद्यालय जहां शुरुआत से ही होती है आईएएस आईपीएस की तैयारी। नवगछिया का सबसे सर्वोत्तम व्यवस्था के साथ स्मार्ट क्लास, सीसीटीवी परिक्षेत्र,
रेसिडेंटल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट, लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब, स्पोर्ट्स सहित कई आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ कक्षा नर्सरी से दसवीं तक प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH 31 नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 88093-0437-33। सर्वोत्तम शिक्षा ही है हमारी पहचान। आइए नवगछिया पकड़ा मोड़ के पास है प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल का। नवगछिया के खगड़ा पंचायत के मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र में मनाया गया बचपन दिवस। नवगछिया अनुमंडल के नवगछिया प्रखंड के खगड़ा पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 2 स्थित मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र में बचपन दिवस मनाया गया। मौके पर आंगनवाड़ी केंद्र की सेविका सोनी कुमारी व सहायिका द्वारा केंद्र के सभी बच्चों के साथ मिलकर केक काटकर बचपन दिवस मनाया। कार्यक्रम में बैलून से खूबसूरत सजावट की गई थी। मौके पर आंगनवाड़ी केंद्र के सभी बच्चों को चॉकलेट और केक बांटा गया। सभी बच्चे बचपन दिवस पर काफी उत्साहित दिखे। नवगछिया, परीक्षा को लेकर ट्रेनों में रही काफी भीड़, यात्री परेशान। बिहार पुलिस की लिखित परीक्षा को लेकर शनिवार को ट्रेन में काफी भीड़ रही। स्टेशन पर शनिवार को अप एवं डाउन ट्रेन छात्रों की भीड़ से भरी हुई थी। मेल ट्रेन में जनरल बोगी से लेकर स्लीपर बोगी की स्थिति यात्रियों से भरी हुई थी। यात्रियों की भीड़ के कारण अन्य यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वाहन प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक नौगछिया NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा NH 31 अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने मकनपुर चौक नौगछिया। मोबाइल नंबर 9065282725। आइडियल विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया। कक्षा नर्सरी से अष्टम तक बस की सुविधा के साथ नवगछिया का एक श्रेष्ठ स्कूल। प्राचार्य प्रमोद कुमार सिंह, हमारा मोबाइल नंबर है 9934261437। 9934261437। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क जरूर करें। आवासीय विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया। नवगछिया विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन। अनुमंडल कारा नवगछिया में शनिवार को अनुमंडल विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विधिक जागरूकता शिविर की अध्यक्षता पैनल अधिवक्ता नंदलाल यादव ने किया। इस कार्यक्रम के दौरान पैनल के अधिवक्ताओं ने बंदियों को प्ली बार्गेनिंग, मौलिक कर्तव्य एवं मॉब लिंचिंग के बारे में जानकारी दी। मौके पर कारा अधीक्षक ओम प्रकाश, शांति भूषण, लिपिक सह प्रभारी उपाधीक्षक चंद्रदेव प्रसाद सिंह तथा जेल PLB पवन कुमार मंडल उपस्थित थे। नवगछिया, वरुण सिंह बने रंगरा के भाजपा मंडल अध्यक्ष। प्रदेश नेतृत्व एवं नवगछिया भाजपा के जिलाध्यक्ष विनोद मंडल ने रंगरा के मंडल अध्यक्ष वरुण सिंह को मनोनीत किया है। उनके मनोनयन पूर्व सांसद अनिल यादव, भाजपा के जिला महामंत्री अधिवक्ता अजीत कुमार सिंह, आलोक कुमार सिंह, नितेश सिंह गुलाबी, नवगछिया प्रखंड अध्यक्ष संजीव कुमार, भाजपा मंडल महामंत्री धीरज कुमार सिंह, नगर अध्यक्ष कौशल जायसवाल, मुरारी चिरानिया, प्रवेश यादव, विजय यादव एवं अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी व्यक्त किया है। मौके पर वरुण ने बताया कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे बखूबी निर्वाहन करने का प्रयास करेंगे।